आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में रेट शेयर करूंगा, प्राइसेस शेयर करूंगा अलकबीर टाउन के फेज़ टू के ब्लॉक्स की, और आपको अपनी इस वीडियो से रेट्स के प्राइसेस अपडेट करूंगा अलकबीर टाउन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा शेर एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ प्राइसेस रेट जो हैं अलकबीर टाउन फेज़ टू के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस शेयर करूंगा, आपको अपडेट करूंगा कि करंट टाइम करंट मार्केट में जो प्राइसेस हैं अलकबीर टाउन के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वो क्या चल रही हैं। प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं करंट मार्केट में, हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें प्राइसेस जो हैं उनसे अपडेट हो, उनको प्राइसेस के बारे में आइडिया हो कि अलकबीर में अगर वो अपनी बाइंग करते हैं तो किस प्राइसेस में उनको कौन सी कैटेगरी का जो प्लॉट है वो मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइसेस के हवाले से, और इस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक ही वीडियो पूरे अलकबीर टाउन फेज़ टू का, पूरे एक प्रोजेक्ट का, पूरे एक सोसाइटी का ओवरव्यू मिल जाता है कि इस सोसाइटी में क्या मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो है प्राइसेस की वो करंट टाइम में चल रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानेब और आपको मैं इस वीडियो में प्राइस की जो है उनके अपडेट करता हूँ। अलकबीर टाउन में, अलकबीर टाउन के फेज़ टू में जिस तरह ये एंटर होते हैं, तो एंटर होते साथ ही जो वेरी फर्स्ट ब्लॉक है वो ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक जो है काफ़ी हद तक टोटली डेवलप ब्लॉक है, ऑपरेशनल मस्जिद है यहाँ पे, पार्क है, और काफ़ी हद तक घर जो है यहाँ पे बन चुके हैं। ए ब्लॉक में जो मैक्सिमम कैटेगरी है वो तीन मरला प्लॉट की है, तीन मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की है, और तीन मरला की जो प्राइसेस हैं अलकबीर के ए ब्लॉक में वो 48 लाख से लेके अपवर्ड 54 लाख तक आपको तीन मरला का प्लॉट जो है ए ब्लॉक में मिलता है अलकबीर टाउन के फेज़ टू में। और लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी है पांच मरला अलकबीर के ए ब्लॉक में, वो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं यहाँ पे, अगर रिक्वायरमेंट हो किसी क्लाइंट को प्लॉट चाहिए हो तो नहीं मिलता, बट लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे पांच मरला प्लॉट के ए ब्लॉक में। और ए ब्लॉक में जो पांच मरला प्लॉट की प्राइसेस चल रही हैं वो इस वक्त करंट मार्केट में 58 लाख से लेके अपवर्ड 62 लाख तक आपको यहाँ पर पाँच मरला का जो प्लॉट है वो मिलता है। आगे मूव करते हैं बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में भी कैटेगरीज तीन मरला और पाँच मरला की हैं। तीन मरला का जो प्लॉट है बी ब्लॉक में वो 48 लाख से लेके 53 लाख तक है। ये जो मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ ये मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस बता रहा हूँ कि अगर आप लोकेशन वाइज प्राइसेस जो हैं वेरी करती हैं, अगर लोकेशन वाइज प्लॉट जो है आपका बाउंड्री का है या पीछे की लेंथ का प्लॉट है तो उसकी प्राइसेस डेफिनेटली कम होंगी, और जो प्राइसेस हाई होने की रीज़न है, प्राइसेस ज़्यादा हुए हैं जहाँ पे, वो प्लॉट जो है वो अच्छी लोकेशन के, बेहतर लोकेशन के, मेन बुलेवर्ड से अटैच, मेन बुलेवर्ड के साथ जो है कॉर्नर ऑप्शन जो है, इस तरह के प्लॉट जो हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा वाली हैं। तो तीन मरला के जो बी ब्लॉक में प्राइसेस हैं प्लॉट की वो 48 लाख से लेके 54 लाख तक आपको यहाँ पे तीन मरला का प्लॉट मिलेगा, और पाँच मरला का जो प्लॉट है बी ब्लॉक में उसकी जो प्राइसेस हैं वो 67 लाख से लेके अपवर्ड 82 लाख तक आपको यहाँ पे पाँच मरला का प्लॉट मिलेगा। उसके बाद सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में भी तीन मरला और पाँच मरला की कैटेगरीज हैं। तीन मरला की जो प्राइसेस हैं सी ब्लॉक में वो 46 लाख से लेके 52 लाख तक आपको तीन मरला का प्लॉट मिलता है सी ब्लॉक में, और पाँच मरला की जो प्राइस रेंज है सी ब्लॉक में वो 67 से लेके 82 लाख तक आपको यहाँ पे पाँच मरला मिलेगा सी ब्लॉक में। ए से लेके ये जो सी ब्लॉक तक तीन ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये ब्लॉक्स इनमें काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप ब्लॉक हैं, घर यहाँ पे बन चुके हैं, ऑपरेशनल आपको मस्जिद मिलेगी, पार्क मिलेंगे, रेस्क्यू ईदी इनकी जो है आपको व्हीकल्स वगैरह मिलेंगी, एक पॉइंट बनाया उन्होंने वहाँ पे अपनी व्हीकल्स वगैरह खड़ी की हुई है इनकी रेस्क्यू और ईदी वगैरह की यहाँ पे। मतलब कि ये जो तीन ब्लॉक हैं ये LDA अप्रूव भी हैं, गैस की अवेलेबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, काफ़ी हद तक घर बन चुके हुए हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं ए बी और सी ब्लॉक में, और ये LDA अप्रूव भी हैं। और यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्लॉट्स निकलते हैं सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक तो घर बन चुके हैं, बट जो लोग प्लॉट सेल, जो लोग घर नहीं बनाना चाहते हैं उनके कुछ ऑप्शन निकलते हैं मार्केट में सेल के लिए, प्लॉट फॉर सेल के लिए, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है फॉर सेल के लिए इन ब्लॉक्स में। बट आपकी अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको ए बी सी में आपका बजट है, आपको प्लॉट भी यहीं चाहिए, आपने घर बनाना है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के आपको दिया जाए। सी ब्लॉक के बाद आगे हम
बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में 8 मल्ला प्लॉट की कैटेगरी थी और बहुत ही लिमिटेड से प्लॉट थे, 50-60 प्लॉट थे टोटल। और इन प्लॉट की जो 8 मल्ला प्लॉट की प्राइसेस हैं वो यहाँ पे वो 85-87 लाख तक आपको 8 मल्ला का प्लॉट जो है डी ब्लॉक में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ई ब्लॉक की। ई ब्लॉक इस वक्त अलकबीर टाउन फेज टू का एक ऐसा ब्लॉक है, सबसे ज़्यादा बाइंग चल रही है उन क्लाइंट्स के हवाले से जिन्होंने यहाँ पे अपना घर बनाना है, और उन क्लाइंट्स के हवाले से भी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि ई ब्लॉक का जो पोजीशन था वो रिसेंटली अनाउंस किया गया था और उसके बाद से लेके अब तक काफ़ी हद तक जो घर हैं वहाँ पर बनना शुरू हो गए हैं। ई ब्लॉक की एक अच्छी और बेहतर चीज़ यह है कि यहाँ पे एक स्कूल है, अलकबीर का अपना स्कूल है, उसकी बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ऑपरेशनल नहीं। ई ब्लॉक में एक मस्जिद जो है उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर मोस्टली कंप्लीट हो गया हुआ है, वो भी आपको आने वाले टाइम में ऑपरेशनल मिलेगी। स्कूल और मस्जिद की वजह से और ई ब्लॉक की एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सेंटर में मेन बुलेवर्ड राइट और लेफ्ट साइड पर ई ब्लॉक की कटिंग आती है, तो जिस वजह से ई ब्लॉक में राइट नाउ सबसे ज़्यादा जो बाइंग और सेलिंग चल रही है वो ई ब्लॉक में चल रही है। ई ब्लॉक में जो कैटेगरीज़ हैं वो 3 मल्ला और 5 मल्ला प्लॉट की कैटेगरीज़ हैं। 3 मल्ला का जो प्लॉट है ई ब्लॉक में आपको 34 लाख से लेके 43 लाख तक मिलेगा, और 5 मल्ला कैटेगरी का जो प्लॉट है वो 55 से लेके अपवर्ड आपको 60 लाख की प्राइस ब्रैकेट में मिलेगा 5 मल्ला का प्लॉट। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ उस्मान ब्लॉक की। उस्मान ब्लॉक में 3 मल्ला प्लॉट की कैटेगरी थी और यहाँ पे जो प्लॉट है 24 लाख से लेके 28 लाख तक मिलता है, और उस्मान ब्लॉक जो है अभी सारा ऑफ ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, यहाँ पे घर जो है अभी आप फौरन नहीं बना सकते। आफ्टर उसके बात करूँगा अली ब्लॉक की। अली ब्लॉक जो है ये भी सेमी डेवलप्ड है, पूरी तरह डेवलप ब्लॉक नहीं है, और यहाँ पे जो कैटेगरीज थी वो 3 मल्ला और 5 मल्ला की कैटेगरीज थी। 3 मल्ला का जो प्लॉट है वो आपको 28 से लेके 32 लाख तक मिलता है, और 5 मल्ला का जो प्लॉट है आपको 52 लाख से लेके 54 लाख की ब्रैकेट में आपको अली ब्लॉक में 5 मल्ला का प्लॉट मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अबू बकर ब्लॉक की। अबू बकर ब्लॉक में 2 मल्ला और 3 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग थी, और यहाँ का जो 2 मल्ला का प्लॉट का जो रेट है इसमें 3 लाख रुपये ऑन के साथ यहाँ पर फाइल जो है अबू बकर ब्लॉक की वो मिल जाती है, और 3 मल्ला प्लॉट का जो रेट है वहाँ पे 24 लाख की मतलब के 3 मरला की प्राइस थी, और 24 लाख के साथ 4 लाख 4.5 लाख ऑन के साथ आपको अबू बकर ब्लॉक में जो फाइल है वो मिल जाती है। इस तरह जो 2 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 16 लाख की इसकी प्राइस थी, और 16 लाख के साथ 3 लाख रुपये ऑन के साथ आपको अबू बकर ब्लॉक में फाइल जो है वो मिल जाती है। राइट नाउ अबू बकर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर कोई क्लाइंट कोई सेलर अपना प्लॉट यहाँ सेल करने के लिए आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी आगे उनका प्लॉट सेल आउट करने में, क्योंकि अबू बकर ब्लॉक की बाइंग सेलिंग काफ़ी हद तक स्लो है। उमर ब्लॉक, आगे मैं नेक्स्ट उमर ब्लॉक की बात करता हूँ। उमर ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, अगर आपके पास मैप हो अलकबीर का या आपने मैप देखा हो या आपको मैप चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको मैं मैप फॉरवर्ड कर दूँगा। उमर ब्लॉक का मैप सबसे बड़ा मैप सबसे बड़ी ब्लॉक है उमर ब्लॉक। उमर ब्लॉक में जो कैटेगरीज थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की वो 3 मरला 5 मरला और 7 मरला प्लॉट्स की कैटेगरीज थी, और इनमें इन कैटेगरीज में जो 3 मरला की फाइल है उसमें राइट नाउ 2.5-2.5 लाख से लेके 4.5 लाख ऑन तक रिक्वायर्ड किया जा रहा है। 5 मरला की जो फाइल थी उसमें 4.5 से लेके 7-8 लाख तक ऑन जो है वो डिमांड किया जा रहा है, और 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की जो फाइल थी उसमें 7-8-9-10 लाख इस ब्रैकेट में जो ऑन है वो रिक्वायर्ड किया जा रहा है। सिर्फ एक साल की इंस्टॉलमेंट जो है उमर ब्लॉक की वो लेफ्ट है, एक साल की इंस्टॉलमेंट उमर ब्लॉक की रह गई है। अभी उमर ब्लॉक की डिलीवरी जो है वो नहीं की गई, पोजीशन नहीं है, बट बैलेटिंग हो गई है। जिनके पास प्लॉट है उनके पास प्लॉट विद नंबर है। उमर ब्लॉक एक पोजीशन के बाद आने वाला एक बेहतरीन ब्लॉक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड है इनके पास, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बेहतर तरीके से इनमें जो एक टाइम होगा बाइंग और सेलिंग के हवाले से वो उमर ब्लॉक का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं कोई 2 या 1-2 साल के लिए तो उमर ब्लॉक बेस्ट ऑप्शन है कि आप उमर ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। व्यूअर, ये आपके साथ मैंने अलकबीर टाउन का एक ओवरव्यू, एक प्राइसेस जो थी वो आपसे शेयर की हैं। अलकबीर टाउन एक बेहतरीन सोसाइटी है, उसकी रीज़न ये है कि मेन ड्राइविंग रोड पे रहते हुए आपको अलकबीर टाउन की जो लोकेशन है वो मिलेगी। अप्रोच वाइज बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी है, और अप्रोच के अलावा जो बात की जाए तो अलकबीर के ऑपोजिट साइड पे लेक सिटी है, लेक सिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं अलकबीर की नस्बत। और अगर अलकबीर का कंपेरिज़न किया जाए
है बैरिया ऑर्चर्ड से, तो वहाँ भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं अलकबीर की नस्बत। तो अलकबीर जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है रेजिडेंट के लिए, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, मेन ड्राइविंग रोड पर रहते हुए घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो में कुछ प्राइस टैग इस तरह के शेयर किए हैं कि उनमें अभी राइट टाइम है कि इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अलकबीर के बारे में कोई भी मज़ीद आपको डिटेल्स चाहिए हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो आपको, तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92333115300। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा चैट लिंक है, उस पर जस्ट आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग अलकबीर टाउन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।